ग्राम नायर में 10 हेक्टेयर में फैली वन विभाग की नर्सरी पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने वन विभाग को पत्र जारी कर कहा है कि वे नर्सरी की इस जमीन को अतिक्रमण कार्यों से मुक्त करवाकर इसे सुरक्षित व संरक्षित करें। पत्र की एक कॉपी कलेक्टर को भी भेजी गई है। नायन स्थित विशाल नर्सरी में वन विभाग ने बीते 2 सालों से इसे तैयार कर इसमें विभिन्न प्रजातियों के हजारों पौधे तैयार कर लिए हैं। इसमें से कुछ पौधे शासन की योजनाओं के अनुसार लोगों को निर्धारित व तय शुल्क पर दिए जाएंगे, लेकिन सालों तक देखरेख के अभाव के कारण नर्सरी के एक बड़े हिस्से पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये कब्जा निरंतर बढ़ता जा रहा है। मामले में एसडीएम ने पटवारी रिपोर्ट भी तलब की है। इसके बाद अब एसडीएम आरपी वर्मा ने मंगलवार को वन विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। साथ ही विभाग के स्थानीय कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूरी मामले की जानकारी भी मांगी है। एसडीएम ने कहा कि वन विभाग को खुद अधिकार प्राप्त है, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उन्हें करना चाहिए। वन विभाग को खुद कानूनी रूप से कार्रवाई करने के अधिकार प्राप्त हैं। लिहाजा विभाग के पुराने लोग जिन्हें रहते यहाँ अतिक्रमण हुआ है, यदि वे चाहते तो ये अतिक्रमण नहीं हो पाता, लेकिन इस पूरे मामले में वन विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों की लापरवाही खुले रूप से सामने आने जा रही है, जिसके कारण अतिक्रमण होता जा रहा है। यहाँ कुछ लोगों ने तो निर्माण कर लिया है, कुछ लोग यहाँ नर्सरी की जमीन से लगातार अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने नर्सरी के पिछले हिस्से पर भी कब्जा कर धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर दिया है। मामले को लेकर एसडीएम आरपी वर्मा से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण की बात सामने आई है। विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर नर्सरी को सुरक्षित व संरक्षित करने को कहा है।